क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस 2B तक कंप्लीट किया हूँ, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हूँ और एक्सप्लेन भी किया हूँ, और इसके बाद जो क्वेश्चन बच गया था बोल दिए थे कि आप लोग रॉफ कॉपी पर बनाइएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका सेल्फ प्रैक्टिस 2C पर ध्यान देना है। 2C में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है तो देखिए, इसमें वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस, ये तीन पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है, जिसमें वंस के अंतर्गत वंस, टेंस, हंड्रेड्स ये थ्री आते हैं, थाउजेंड्स के अंतर्गत थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, और मिलियन के अंतर्गत मिलियन, टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन, ये तीनों कंप्लीट समझना है। इसके अंतर्गत भी 3 पॉइंट्स, इसके अंतर्गत भी 3 पॉइंट्स और मिलियन के अंतर्गत भी 3 पॉइंट्स। सेल्फ प्रैक्टिस 2C का फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग पीरियड्स एंड प्लेसेस इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो देयर राइट देयर नंबर नेम, और इसका नाम भी लिखना है। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप ये देखिए, इसमें दिया हुआ है आपका 7, आपका दिया हुआ है 7804970026, ये दिया हुआ है। अब इसको देखिए मैं प्लेस वैल्यू चार्ट पर कैसे दिखा रहा हूं, और इसका नंबर नेम यानी नाम भी लिखना है। तो देखिए ये 6 है तो 6 यहां कंप्लीट करेंगे, 2 है तो 2 यहां लिखेंगे, 0 है तो 0 को यहां लिखेंगे, 7 है तो 7 यहां लिखेंगे, 9 है यहां तो 9 पुट करेंगे, ये 4 है तो 4, 0 है तो यहां 0, 8 है तो 8 और 7 है तो 7। इस तरह ये प्लेस वैल्यू चार्ट पर हो गया, वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हुआ ये। इसी तरह कंप्लीट करेंगे, आपको ये फॉर्मूला के तौर पर इसको याद करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का ये रूल होता है, आपको याद करके रखना है यह हमेशा। यहां पर जैसे वंस मीन्स इकाई, टेंस मीन्स दहाई, हंड्रेड्स मीन्स सैकड़ा, थाउजेंड्स मीन्स हजार, टेन थाउजेंड्स मीन्स 10,000, हंड्रेड थाउजेंड मीन्स 100,000, मिलियन यानी 10 लाख, 10 मिलियन यानी मिलियन मीन्स ही 10 लाख होता है, 10 मिलियन यानी कि आपका 100 लाख हो जाएगा, और 100 मिलियन यानी कि 100 लाख, इस तरह हो जाएगा आपका मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस पर ध्यान देना है आप लोगों को, ये सजाना जो था वो क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट मैं सजा दिया हूं। अब आपको इसको नंबर नेम यानी नाम के रूप में लिखना है, तो कैसे पढ़ेंगे, पहले वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, तो लिखेंगे 780 मिलियन, 780 मिलियन। इसके बाद लिखेंगे 497,000, अंत में लिख देंगे 26। ध्यान दीजिए 780 मिलियन ये यहां से यहां तक का हुआ, 497,000 यहां तक, और ये 26 है तो ये 26 से लिख दिए। ये फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन हुआ। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल फॉर्म द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए पहले ये वर्ड में दिया गया है, आपको नंबर नेम में दिया गया है, तो नंबर नेम में दिया गया है 85,305,900। तो आप एक ध्यान दीजिए कि कोई भी डिजिट हो
जब उसके बाद मिलियन की बात करें तो उस पर 60 जरूर बैठाते हैं। 85 का 85 लिख देंगे और मिलियन के लिए ये 60 बैठा दिए। फिर 305 तो 305 लिख देंगे और 1000 के लिए 30 बैठाते हैं। अंत में 900 है तो 9 लिख करके 00 लिख देंगे। अब सबको प्लस करेंगे तो 000 ये 0 हो गया, फिर 000 ये 9 0 हो जाएगा, 009 9 हो गया, 05 हो गया, 00 0 होगा, 03 होगा, 5 का 5 होगा, 8 का 8 होगा। इस तरह आपका ये डिजिट में यानी अंक में न्यूमेरल में कंप्लीट हो गया। लेकिन कह रहा है इसको आगे आपको कि फॉर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है तो सेम इंटरनेशनल सिस्टम लिख देंगे, जो डिजिट है उसको उतारेंगे और 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे। क्यों? क्योंकि ये वंस का अंतर्गत आ रहा है, ये थाउजेंड्स का अंतर्गत आ रहा है और ये मिलियन का अंतर्गत आ रहा है, और 3 डिजिट के बाद कॉमा दिया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। ये आपका 2 का ए हुआ, इसी तरह 2 का बी, 2 का सी पर ध्यान देंगे। और 2 का सी जैसे आपको क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि 580 मिलियन, तो 500 आपका दे रहा है 80, यही कहलाएगा 580 मिलियन, तो 580 मिलियन, मिलियन के लिए 60 बैठा देंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 580 मिलियन और 6002, तो यहां पर देखेंगे 6000 लिख देंगे और अंत में 2 लिख देंगे। अब इसको प्लस करेंगे सबको, तो 2 का 2 0 0 6 0 0 0 5 8 8 5, इस तरह लिख देंगे 6000, तो ये 6000 है और ये 2 है, तो 2 सबको प्लस किया, देखिए 0 0 2 2 0 0, ये 6, ये 0 0 आ गया और 8 है तो 8, 5 है तो 5। अब लिखेंगे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, देख रहा हूं कि ये तीन पहले जितना है डिजिट उसको उतार लेंगे, 5 8 3 0 तो 3, फिर 6 00 2, देख लेंगे ठीक है। इसके बाद 3 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे, 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद और छोड़ देंगे। ये आपका हुआ इंटरनेशनल सिस्टम में। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स बोथ इन द इंडियन एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। कह रहा है कि आपको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। ऑल्सो राइट द नंबर नेम्स, और कह रहा है कि नाम भी लिखना है फॉर बोथ द सिस्टम, दोनों सिस्टम में। तो पहले 3 का ये डिजिट उतार लेंगे, डिजिट में दिया है 290 727 और 95, डिजिट सेम उतार लिए। आज देखेंगे इंडियन सिस्टम में, तो पहले सेम डिजिट को उतार देंगे, और इंडियन सिस्टम का रूल है कि 3 डिजिट के बाद कॉमा दिया जाता है, तो 3 डिजिट के बाद कॉमा दे दिए, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, और फिर ये कॉमा दे देंगे और लास्ट में जो बच गया छोड़ देंगे। नंबर नेम में पहलेंगे 1s 10s 100s 1000 10000 lakh 10 lakh crore, तो 2 crore, 1s 10s 100s 1000 10000 lakh 10 lakh, तो 90 lakh, 1s 10s 100s 1000 10000s, यानी कि 72000, और अंत में 795। यह हो गया आपका नंबर नेम, इंडियन सिस्टम में भी हो गया और नंबर नेम भी हो गया। नेक्स्ट आपको इंटरनेशनल सिस्टम लिखना है, तो सेम डिजिट को उतारेंगे और 3 3 डिजिट के बाद कॉमा दे देंगे। इसके बाद देखेंगे नंबर नेम, तो देखेंगे 29 है, तो 29,072,795, यह आपका हो गया 3 का फर्स्ट।
इसी तरह 3 का बी सी डी ई एफ आप लोग घर बैठे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। थैंक यू।